गृह सचिव अजय भल्ला का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें हिट एंड रन केस पर अभी नया कानून लागू नहीं होगा, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है। केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ड्राइवरों से अब अपील है कि हड़ताली ड्राइवर काम पर वापस लौट जाएं। 10 साल की सजा और जुर्माना अभी लागू नहीं होगा, यानी हिट एंड रन केस में जो कानून नए बनाए गए थे अभी उसका पालन नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ ही अब अपील की जा रही है सभी हड़ताली ड्राइवर से कि वो वापस काम पर लौट आएं। चर्चा के बाद फैसला इस पर लिया जाएगा। गृह सचिव की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, गृह सचिव अजय भल्ला का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 10 साल की सजा और जुर्माने वाले जो कानून है वो अभी लागू नहीं होगा, चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। यहाँ पर ये बैठ के आपस में तय हुआ है लिखित रूप में कि 106(2) को लागू नहीं किया जाएगा। वैसे भी अभी वो लागू नहीं हुआ था और ये आगे भी लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी जो ज्वाइंट कमेटी बनी है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की और गृह मंत्रालय की, वो बैठ के इस पर पूरी चर्चा और उसका विस्तार में इसके प्रो और कॉन्स नहीं समझ लेते, इनको लागू नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब था कि जो मसला था, जो अफवाह थी, भल्ला साहब ने खुद स्टेटमेंट दी है पूरी कि ये पहले भी अभी लागू नहीं किया गया था और आगे भी अभी लागू नहीं किया जाएगा जब तक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इसमें। अब एक लाइन में और मैं स्पष्ट रूप से आपसे चाहता हूँ कि कई आपके एसोसिएशन के जो अलग अलग ट्रक ड्राइवर सब लोग हड़ताल पे हैं जी, उसके वापसी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने अपील कर दी है, आपके मीडिया के माध्यम से भी अपील जा चुकी है, हमारी सोशल मीडिया पे भी जाएगी, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स बने हुए हैं, पूरा कम्युनिकेशन है, पूरे इंडिया की ट्रांसपोर्ट पे कंट्रोल है।